तो अगर आप उमरा पे आए हैं और आप जा रहे हैं मस्जिद नबवी, वो भी 21 नंबर गेट जो मस्जिद नबवी का सेंट्रल गेट है उससे, तो रास्ते में आपको ये जो है ना फ्रेम मिलेगी परों वाली, जिसमें आप खड़े होकर तस्वीर खींच सकते हैं। ये एक तरह की इन्होंने फूड स्ट्रीट बना दी है। यहाँ पे आपको जो है ना तकरीबन हर नेशनलिटी का खाना मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी, जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो मिलेंगे, और सारी चीज़ें इस तरह से जितनी भी हैं सारी आपको मिलेंगी। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी की है। अब ये अगली जो है ये अफ्रीकन खानों की है, और ये वाली जो है ये इंडियन खानों की है। उससे आगे जाएं तो ये यहाँ पे जो है ना तमूर रूमा करके कुछ है, और ये फिर उसके बाद ये रोमा डेट्स गिफ्ट शॉप है। ये तो यहाँ पे ये इजिप्शियन खानों की है, ये इंडोनेशियन खानों की है, और उससे आगे इटालियन खानों की है। फिर उसके बाद उसके आगे जो है बुक स्टोर है ये दारुल ज़मान, और फिर उसके बाद ये सऊदी खानों की है, फिर उसके बाद ये जो है ना मदीना की सवेनियस की दुकान है, फिर उसके आगे ये तुर्किश खानों की दुकान है, फिर यहाँ पे ये भी एक सवेनियर्स की दुकान है तुर्किश खानों के आगे। अच्छा ये वाली ये, और फिर इसके बाद ये आइसक्रीम है अजवा की, ये उसकी दुकान है, और ये जो है ना आइसक्रीम मतलब इसमें खजूर होगी और अजवा डाला होगा इस तरह से, ये अफगानी खानों की है। और फिर उसके बाद ये वाली जो है ये है जी जूसेस की दुकान, फ्रेश जूसेस की। अच्छा एक फ्रेम वो पीछे परों वाली आपने देखी है, एक ये है एक और आगे भी है, तो इस तरह से है ये, और ये एक साइड ये वाली है, और एक कुबा कुर्बान वाली जो साइड है कुबा वाली साइड, वहाँ पे भी इस तरह की सेम टू सेम ऐसी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलती हैं ना, वहाँ पे भी ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। ये पहले ऐसे नहीं था, अभी इन्होंने बाकायदा फूड स्ट्रीट बना दी, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, चाय कॉफ़ी कुछ खा सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, पहले ऐसे नहीं था। तो जो है ना यहाँ पे आप तस्वीरें खड़े होकर खींच सकते हैं, तो तीन चार इन्होंने फ्रेम्स बनाई हुई हैं, इन फ्रेम्स में आप अपनी जो है ना खड़े होकर तस्वीर खींच सकते हैं, और ये काफ़ी इंटरटेन करने के लिए और विज़िटर्स को इंगेज करने के लिए और मतलब अब अपनी मेमोरी बनाने के लिए उन्होंने ये अट्रैक्शन बना दिया इस तरह से। और ये जो दारुल हिजरा होटल है उसके बिल्कुल सामने है, और हिल्टन से थोड़ा सा पहले किंग फहद रोड से, जो शहदा अहद की जो रोड जहाँ से आते हैं अहद पहाड़ से या सैदना अमीर हमज़ा की मज़ार से, उससे जब आप हरम की तरफ जाएंगे तो ये आपको जो है ना रास्ते में ये पहले आप ये चीज़ से गुजरेंगे, फिर आप जो है ना मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकेंगे। तो इस तरह से कुछ इन्होंने बना रखा है ये वाला हिसाब किताब। आप इसको मदीना फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं। आपको यहाँ पर पाकिस्तानी बाकायदा रेस्टोरेंट भी एक है वो भी मिलेगा, और काफ़ी सारी जाय नमाज की और सवेनियर्स की और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों की दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप अपनी जो है ना बेसिक जो है शॉपिंग आप इंस्टेंटली यहाँ से जो है ना बाय कर सकते हैं, और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये वॉकवे है हरम को जाने का, वो भी सेंट्रल जो है ना जो दरवाज़ा है मरकज़ी जो दरवाज़ा है मस्जिद नबवी का उसकी तरफ, तो ये एक वजह है। तो काफ़ी इंगेज रहती हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं। तो ये है जी कुछ, अगर आप यहाँ पे आए हैं और अगर आपकी होटल शारे सलाम या कुर्बान कुबा वाली साइड पे या फ्रंट वाली साइड पे है, तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं और मतलब देख सकते हैं क्या है कैसा है, अपनी वीडियो तस्वीर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आपकी अपनी उसका खाना भी मिल जाएगा, जो भी आपकी नेशनलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका खाना भी मिल जाएगा यहाँ से। तो ये है कुछ हिसाब किताब फूड स्ट्रीट का मदीना की।